शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसी को लेकर अमित शाह आनंद शर्मा समेत कई नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद है। तो आपको बता दें कि संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सत्र को लेकर ये चर्चा हो रही है और सोमवार से आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है एनडीए के जरिए, जिसमें अमित शाह आनंद शर्मा समेत कई नेता पहुंच चुके हैं। तो कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उस सत्र से पहले तमाम मुद्दे, तमाम जो चर्चा के लिए रखे जाएंगे उनको लेकर आम सहमति यहां पर बन पाए, सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई चल पाए, इसको लेकर ये फिलहाल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिरकार शीतकालीन जो सत्र कल से शुरू हो रहा है उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो अमित शाह, आनंद शर्मा समेत कई नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं जो कि संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। तो सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र को लेकर ही सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जहां पर एकाएक करके तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आने वाले वक्त में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा यहां पर सरकार की तरफ से की जाएगी और उस पर समर्थन की बात भी की जाएगी, सुचारू रूप से यहां पर शीतकालीन सत्र चले इसकी कोशिशें सरकार की तरफ से रहेगी। हालांकि देखना होगा कि क्या अब तक कई बार जिस तरह से देखा जा चुका है, सत्र कई बार हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, सत्र खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके बावजूद नतीजा उसका कुछ सामने नहीं आता है। तो ऐसे में सुचारू रूप से प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र की चलती रहे, इसको लेकर एक समन्वय बिठाने की कोशिश यहां पर तमाम पार्टी के नेताओं के साथ की जाएगी और यही मकसद है जिसको लेकर ये फिलहाल बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। आनंद शर्मा साथ ही अमित शाह भी इसमें बैठ चुके हैं और कई और दिग्गज जो नेता हैं वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है, कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।